हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईपीएस क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट। ये आपका टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट है और ये मेरा शायद आखिरी मॉक हो कल के प्रिपरेशन से पहले, एग्ज़ाम से पहले। और मैं बताया था, जैसे मैंने कल बात की थी अपनी वीडियो में कि हम जो है आज का मॉक जो है थोड़ा ईजी मॉक लगाएंगे, तो मैंने आज टेस्ट बुक का मॉक चूज़ करा है। ठीक है, काफ़ी सारे मॉक्स लगाए हैं अब तक, तो ये जो मॉक है हम टेस्ट बुक का मॉक लगा रहे हैं। और बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द मॉक, शुरू करता है। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। अब आपके पास ये आ गया। दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन फाइंड डिज़ाइनर एंड गुड क्वालिटी ज्वेलरीज। दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन फाइंड डिज़ाइनर एंड गुड क्वालिटी ज्वेलरीज। क्या बताना कैसे पंचुएशन दिस, वैसे मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है। इसमें आगे चलते हैं। इफ़ वी हैड टेकन दिस अपॉर्चुनिटी मोर सीरियसली वी वुड हैव गॉट द जॉब। इफ वी हैड टेकन दैट दिस अपॉर्चुनिटी मोर सीरियसली वी वुड हैव गॉट द जॉब। पी आर दोनों में ही कोई चल दिख रहा है। गॉड्स ग्रेस ही इफ वी गेट द मेमोरी कार्ड विद द सीक्रेट कोड्स इन टाइम ही मे स्टॉप। ही मे बी स्टॉप्ड या ही मे स्टॉप आएगा। सी आंसर है। क्या बताना है इसमें, इट द एररलेस कॉम्बिनेशन। तो सी तो गलत है। ही मे स्टॉप द मिसाइल फ्रॉम लॉन्चिंग मेंट विद गॉड्स ग्रेस इफ ही गेट्स द मेमोरी कार्ड विद द सीक्रेट कोड्स ऑन टाइम। तो सही कौन सा है ये पता लगाना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉड्स ग्रेस, गॉड्स विद गॉड ग्रेस होता है फ्रॉम इफ यू गेट द मेमोरी कार्ड विद द सीक्रेट कोड्स ऑन टाइम। नहीं यार, इशू हो रहा है। द न्यू मैनेजर डिड नॉट लाइक हिज एम्प्लॉयज टू टॉक ऑल द टाइम एंड डूइंग नो वर्क एंड देयर बाय रिजल्टिंग इन जीरो प्रोडक्टिविटी। Do not like employees to talk all the time doing. Did not like doing zero productive. इसका बी आना चाहिए। If you had spent all your money, not this. This is why it is important to save up for billing pool. That might affect future. स्पेंट नहीं आएगा, स्पेंट आएगा मेरे ख्याल से। व्हेन द डॉग्स गेट ट्रीटेड दे वेग देयर टेल्स। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय बिहेवियरल साइंटिस्ट एज अ मीन्स टू गॉज वुड्स गेट अ ट्रीट। यही गलत होना चाहिए इसका। द नेशन वाइड प्रोटेस्ट पंजाब इज इनैक्टेड बाय द विल बी इम्पैक्टेड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ द वर्क दैट कॉल्स फॉर कॉल्स अपॉन मतलब तो कॉल्स ऑफ दैट कॉल्स फोर मतलब दैट बुलावा करते दैट कॉल्स अप फोर आना चाहिए ना मेरे अकॉर्डिंग। द डिजिटाइज एजुकेशन एक्सपीरियंस हैड चेंज द एंटायर सोशल डायनामिक्स सो दैटेंचर्स नीड टू बी किप मोस्ट वैन नॉट टू डू दिस शॉप। तो बी का तो डी होगा, ये तो पक्की बात है। तो ऑप्शन कहीं भी दिया नहीं हुआ। द रिवर अप टू सोनिंग विंड्स इज इन एंड आउट थ्रू मैनी आइलैंड्स। द डिजिटल एक्सपीरियंस हैज चेंज्ड द एंटायर सोनिंग विंड्स। तो ए का तो एफ हो जाएगा, ना तो पक्का होता है ए का। ये मतलब एक्सपर्ट्स हैव सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न रीजन कंडम्स ऑर्गन डोनेशन।
ए का तो बी होगा जो डी नहीं आया, और बी का आपका होगा बिलीव दैट द बी का एफ होगा। बी का एफ तो यही बनेगा इसका बस। सैम इज द स्टूडियस रैंक होल्डर, इज वेरी फर्स्ट एंड स्टूडियस। सैम इज फर्स्ट रैंक होल्डर इन द क्लास। ये और बी का टेंशन रहेगा, बट ही ऑल्सो इज द म्यूजिशियन ऑफ बिकमिंग ड्रीम ऑफ ए बी सी डी पीछे जुड़ेंगे इसमें। देखो यार इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ क्या करना है, कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले वो कर लेना। आपको एक 20 तक अचीवेबल टारगेट तक पहुँचना है, जब 20 तक पहुँच जाओगे उसके बाद आपने थोड़ा सा रिस्की ले सकते हो, बट लेकिन जब तक 20 तक बिल्कुल भी थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं देखना, जो आपको दिखता है वो करते जाओ, जो नहीं दिखता वो छोड़ते जाओ, ठीक है। ध्रुव अवर मैच अपर कैप्टन, ध्रुव कैप्टन द लास्ट मैच, ये भी बदल जाएंगे। ही वॉज द रीज़न वी वॉन द सी ओ डी, बदल जाएंगे योर बी और सी डी, ठीक है। Eleanor wanted to find a partner who would compliment her, who would dash her, motivate her to grow and explore. Partner A और C बदलेंगे ना, A और C बदलेंगे बस। Annalise was very sure that she could get away with the murder. She promised her son that she would not get to jail. B और D बदल जाएंगे। All the lockdown in the India, all the states in the India were starting to go into the lockdown again. A or C बदलेंगे इसमें। अच्छा, the owner of the park is a dash man who never seems to get upset about anything. बहुत खुश, मतलब वो वाला होना चाहिए, तो इसके मतलब बहुत ही अलग है। मॉडलिंग का मतलब शायद खुश मिजाज ही होता है। चलो जो अब ये ऐसे हैं मतलब जिनको हम छेड़ ही नहीं सकते, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। द स्पीकर डेमोलिश्ड द अपोजिशन डैश आर्ग्यूमेंट, मतलब बेकार आर्ग्यूमेंट ना, या फ्रॉडस्टर मेड ए डैश, मतलब बेकार। इम्प्रॉम्प्टू भी नहीं कह सकते, ऑथेंटिक भी नहीं कह सकते, लेजिटिमेट भी होता है कि अच्छा सही लेजिटिमेट बोलते हैं, तो इसका आंसर इम्प्रॉम्प्टू ही नहीं हो सकता, कि मतलब होता है कि ऐसे कुछ ही बोल दिया गया, तो नहीं वो तो उल्टा सीधे बोलते हैं। द डिफीट वॉज टेकन विद डैश बाय द लीडरशिप, एग्जिटेशन तो होता है। ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ विद रिमार्केबल डैश, और अब इसको देखो ये 3 to 5 छोड़ दो, आगे चलो। मिस्टर अंबानी इज द डैश ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आर्किटाइप यही होगा, आर्किटाइप। राहुल वॉज कनिंग इनफ टू डैश हिज क्लासमेट्स टू डूइंग हिज होमवर्क, फ्रेंड ऑफन ट्राइज टू डैश वेल्थी मैन एंड एक्सपोज। अब देखो इसमें या तो डाइवल्ज होना चाहिए या बिगविल होना चाहिए, इसका मतलब तो मतलब ये होगा कि बेवकूफ़ बनाने का मतलब बनेगा इसका। ये करते हैं, शायद मुझे यही लग रहा है। अब चलते हैं वापस कंप्रेंशन पहले कर देते हैं। तो वो जम्प स्टार्टेड द, देखो अब अगर ये जैसे डायरेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो जम्प स्टार्टेड द रशियन रेवोल्यूशन, इनको पहले कर लेंगे ताकि टाइम बच जाए अपने पास। तो वो जम्प स्टार्टेड द रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रिलेशन की बात की गई है, और उसने को किसने जंप स्टार्ट करा, एंड्रो डिक्टेटरशिप, ये चीज़ देखनी है, ठीक है। इट बिगिन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, ठीक है। दर्शन रोटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ, मुझे कहीं दिख नहीं रहा इसमें कहाँ लिखा हुआ है जंप स्टार्टेड दर्शन, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा मुझे। चलो पढ़ ही लेते हैं, मेरे को टाइम वेस्ट करना इसके ऊपर। द रशियन रिवॉल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिवॉल्यूशन अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ रशियन एम्पायर, कमेंसिंग विद द रिवॉल्यूशन ऑफ द मोनार्की 1917 एंड कंक्लूडिंग एंड विद द बोल्शेविक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ इट बिगिन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट वाज फोकस्ड इन द नोवा कैपिटल। नाउ द रशियन रिवॉल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द
closest in the world, which is the Munch or the Ashinaabe to Mitanni, and the Chaos members of the Duma Russian parliament assumed control of the country, forming the Russian government. This was dominated by the interest of large the Russian nobility, not having any. कमेंसिंग विद द अबॉलिशन ऑफ मोनार्की, मतलब एंडिंग ऑफ मोनार्की, एंड ऑफ मोनार्की, एंड ऑफ न्यू स्लेवरी, बिगिनिंग ऑफ मोनार्की, एंड ऑफ मोनार्की ट्रशिप, ये लिखा हुआ है, ये पे दिमाग में थर्ड लाइन में लिखा हुआ है. सोल्यूशन टुक प्लेस. Of Vladimir Lenin, the cabinet immediate under the Russian partisan war. Italy granting land to the peasants. Land to the peasants. कहाँ गया यार? Division and providing bread to the urban workers. Jobs. Immediate end of the he can immediate end of the what does abdicated mean? The what made the provisional government state power अब ये देख लेते हैं जरा मोदी वाला. तो कौन सा ई दिया हुआ आपको? दिस ई इज फिक्स्ड एंड इट्स पोजीशन कैन नॉट बी चेंज्ड. मतलब पांचवा वाला ही बनेगा, एक दो तीन चार पांचवा वाला बनेगा. तो इट इज इंटिल दैट नहीं फर्दर मोर दिस ऑनर दिस. ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई ये पक्की बात है, सबसे पहले तो आपका एफ आएगा कि अर्नेशन एफ टू द मोमेंट ऑफ द व्यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड लुक लाइक द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ आवर वर्ल्ड. डी आएगा एफ के बाद, एफ डी बी फर्दर मोर दिस इज. ठीक है, ठीक है, पहले तो एफ डी आएगा तो पक्की बात है. अर्गनाइजेशन दिस, अर्गनाइजेशन दिस अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट. अब देखो इट इज द ग्रेजुअल डी क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं. अ फुली अर्गनाइज्ड वर्ल्ड लुक्स लाइक द
अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ आवर वर्ल्ड। तो यार एफ डी तो पक्का पक्का आ गई है, तो एफ डी तो लगा लेते हैं पहले, एफ और डी। ठीक है, उसके बाद का थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यार। तो फोर्थ कौन सा आना चाहिए? थर्ड तो पता नहीं, वर्ल्ड लगता है कि फर्दर मोर वाला तो लास्ट में आएगा, मोर ओवर इन दोनों में से अंतर है ना। ठीक है फिर पहले मोर ओवर करें, पहले फर्दर मोर करते हैं, फर्दर मोर करते हैं तो बी करते हैं, थर्ड बी, फोर्थ तो भैया ए आएगा पक्की बात है। ठीक है, और फिफ्थ तो है ही ये ई, और सिक्स्थ जो है आपका सी आएगा। थर्ड सेंटेंस आपका आ जाएगा बी। व्हाट इज सर्कमस्टेंस अंडर विच द रिवोल्यूशन टुक प्लेस, किस सर्कमस्टेंस अंदर रिवोल्यूशन हुआ था? डोमिनेटर विच लेट टू द कॉमन रिसोर्सेस टू वर्ल्ड वॉर टू, विच लॉट ऑफ मिलिट्री मेजर मिलिट्री लॉसेज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, मेजर मिलिट्री लॉसेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, लॉस ऑफ मिलिट्री लॉसेज वर्ल्ड वॉर विच लेट टू द आर्मी बींग रेडी टू मिलिट्री, तो ये आएगा इसमें। ठीक है, और इसका देखते हैं, वॉट मूव बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट फर्दर पुश द रेवोल्यूशन इन इंडिया, क्या मूव था जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का फर्दर पुश द रेवोल्यूशन इन इंडिया? इंटरेस्ट ऑफ द लार्ज कैपिटलिस्ट एंड रशियन नॉबल्स एक्सक्यूटिव। ठीक है, इसके बाद द आर्मी लीडरशिप फेल्ट दैट डिड नॉट हैव मींस टू सपोर्ट द रेवोल्यूशन एंड थ्रू ग्रास रूट कम्युनिटी असेंबलीज कॉल्ड विज विच आर डोमिनेटेड बाय सोल्जर्स इन द आर्मी शुड परमिट द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रूल बट इंस्टेड ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। एलियंस ऑफ लोअर क्लासेस लोअर क्लासेस एंड इंडियन लिफ्ट मिडिल क्लास। वॉर कंट्रोल इन टू द रेड गार्ड्स। दिस इज द एरिया वेयर यू कैन फाइंड डिजाइनर एंड गुड क्वालिटी ज्वेलरीज, दिस इज द एरिया वेयर यू कैन फाइंड डिजाइनर एंड कैन फाइंड, सही तो लग रहा है यार, दिस इज द एरिया वेर यू कैन फाइंड डिजाइनर एंड गुड क्वालिटी ज्वेलरीज। दिस इज द एरिया
If we had taken this opportunity, we would have. ठीक है, ये आपका 6 लिख सकते हो गया, 1479 1484 इधर माइनस प्लस 6 हो गया, और 20 नहीं 189 36 तो 200 आपका 16 हो गया, 216 हो गया, तो ये माइनस कितना आ जाएगा आपका 30, तो आपके आ जाएगा 186, ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 6 तो 1 आया, 1 और 2 तो 4 5 प्लस 5 1 आ जाएगा, ये आपका हो गया 1272, 1272 और ये 90, 90 माइनस 4 कितना हो जाएगा 70, 86 और आपके हो जाएगा 7, तो 86 से 4 93 आ गया आपका 196, ठीक है 196 हो गए, 49 99, ठीक है तो 49 × 4 90 आ गया आपके पास, माइनस 5 225 तो आपको हो जाएगा 265, ठीक है उसके बाद आपका 16 माइनस कर देंगे 25 तो माइनस 9 आ जाएगा आपके पास, तो 5 × 256 आ जाएगा, तो 16 प्लस कर दो 24 तो 5, ठीक है ये आपको 25 नेम, 25 नेम 0 25 चौक 4 6 आ गया, तो 9 × 5 = 40 तो 60 गया, 100/15 चौक 60 400 आ गया भाई, ठीक है उसके बाद आपका हो गया 7 × 5 = 35 35 दिया 105 102 102 में 17 गया तो 85 आ गया आपके पास, ठीक है ये 4 आ गया, 4 की पावर 4 नहीं 4 की पावर 2 4 की पावर 5 और 4 की पावर 6 4 की पावर 6 आ गया बटे 48 तो ये कितनी हो जाएगी 2 की पावर हो गया आपके पास, कितना हो गया ये 2 की पावर 12 नीचे आपके 48 है, हाँ तो 4 से भाग दिया पहले तो 4 गए 4 की पावर 5 12 × 48 फिर 4 से भाग दिया तो 4 × 4 × 4 ठीक है और फिर 3 बचेगा कर दिया नहीं गड़बड़ कर दिया कुछ, देखो यार ये हो गया 16 16 का 4 की पावर 2 4 की पावर 3 4 की पावर 5 हो गया, ये 6 हो गया यहाँ पे 6 आएगा ये और नीचे 48 तो 6 8 48 तो आपके पास ये 2 की पावर 3 है और ऊपर है 2 की पावर 10 तो 2 की पावर 7 बचेगा, उसके बाद 11 ये 13 बचेगा 13 52 15 8 120 67 256 तो 108 आ गया और 108 को डबल कर देंगे तो 16 हो गया, उसके बाद 16 × 2 कितना हो गया 32 32 और ये हो गया आपका 52 52 32 84 बटे कितना आ गया 1284 3 आ गया, इसमें देखते हैं आपके पास क्या आएगा 6 हटा दो 36 × 6 = 12 12 36 18 18 1 18 18 6 108 16 आ जाएगा, अब ये देखो ये आपके पास हो जाएगा गया 432 तो 3200 आ गया आपके पास और बटे 64 तो 32 × 0 32 × 64 50 आ गया तो 50 20% हो जाएगा, ठीक है अगला हो गया 9 की पावर 7 नेक्स्ट है 9 की पावर 7 ये 9 की पावर 3 है तो 4.5 और 9 की पावर 5.5 माइनस कर देंगे तो 9 की पावर 6 आ जाएगा, अगला हो जाएगा 30 × 120 7 × 6 = 148 ठीक है ये हो जाएगा आपके पास 210 तो 358 माइनस 361 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 3 24 आ गया भाई, उसके बाद आप देखोगे आपके पास क्या आ रही है 5 125 3 375 और 17 × 85 तो ये 392 आ गया और ये 356 कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 36 और डिवाइड कर देंगे 6 6 × 36 आ गया, ये आपका हो गया 150 150 - 50 100 और 105 आ गया 150 150 उसके बाद ये छोड़ देते हैं अभी ये छोड़ देते हैं अभी ये करते हैं ठीक है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बिटवीन एंड टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ, ठीक है अगर डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए प्लेटफॉर्म दोनों के सेम ठीक है तो ए की लेंथ देखते हैं कितनी हो जाएगी, ए की लेंथ हो जाएगी 500 1000 मीटर और बी की लेंथ हो जाएगी आपके पास 700 1200 मीटर टाइम 80 क्रॉस ए की डिस्टेंस 50 तो हो जाएगा 20 और बी का हो जाएगा कितना
पंद्रह कितना है, 18, 18 सेकंड आ गया ना, तो 9, 18, 10 विष्णु, और विष्णु है ये क्या हो गया भैया, एंड सी पूछा, सॉरी सॉरी सी पूछा, सही हो जाएगा आपका 1050 बट्टे कितना आ जाएगा 60, तो 0-0 गया, तो 6 अदर गया, तो 120 रेशो कितना आ रहा है, 105 आ रहा है, तो 15 7 105 15 8 120 8 7 आ गए। आगे चलो ऑर्डर ट्रेन होता है ए टू वोट, इधर ट्रेन बी, इधर 10 ए और बी देख लेते हैं। अब भैया ये तो क्या बोल रहा है, ओवरटेक बोल रहा है ना, तो मतलब सेम स्पीड में चलेंगी, तो ए और बी की टाइम देख लो कितना आ रहा है, 35 और प्लस कितना लेंथ होगा 600 700 और 1400 मीटर हो गया ये, तो 35 70 4 40 सेकेंड आ गया भाई। ए एंड सी टू क्रॉस इधर बंदे बी एंड डी क्रॉस इच अदर, सी तो 550 मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन कितना हो गया ए और सी, ये 100 0055 आ गया 5 सेकेंड, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम टेकन बाय बी एंड डी टू क्रॉस इच अदर इंटरेक्शन, बी एंड डी ये कितना हो गया अपन 850 और कितना है 5 17 70 50/17 51.3% आ रहा है। ठीक है, हाउ मच टाइम टेकन बाय सी टू क्रॉस द मैन सिटिंग इन ट्रेन डी इन द अपोजिट डायरेक्शन, सी तो उसको उसका 0 हो गया, तो सी की लेंथ क्या है 300 और डी इन अपोजिट डायरेक्शन, सी और डी 80 0 0 4 2 8 4 7.5 3.75 आ गया भाई। This will be towards the pole time to this. A to cross the pole. A to cross the pole है कितना मीटर 5 सेकेंड, तो D को कितने सेम टाइम, तो 100 5 मिनट में 80 करनी पड़ेगी इसको स्पीड, तो कितनी हाउ मच परसेंटेज, तो 20 से 80 3 से 98 मिनट। ठीक है, अब ये इजी क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 तो +2 +3 हो गया, उसके बाद ये प्लस माइनस हो गया 2, तो माइनस प्लस का -2 -1 और देखो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से 6 कम 6 ये बीच में आएगा, कट गया आंसर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो सीधे सीधे नॉन रिलेशन ही आ जाएगा, और ये देख लेते हैं 7 और 6 42 7 6 42 9 7 63 तो ये आ रहा है y=x आ रहा है, उसके बाद -4 -3 आ रहा है आपका, और -7 -6 42 आ रहा है, तो ये जब आ रहा है तो आप कितना हो जाएगा, ये x=y हो जाएगा, ये प्लस माइनस 13 7 91 13 7 91 ये प्लस माइनस 13 7 91 तो -13 + 7 तो आपका x=y। अब आते हैं मैथमेटिक पे, आपके लक्ष्मण फादर साइड में लक्ष्मण, ठीक है 5:1 है, 4 ईयर्स है वो लक्ष्मण, फादर वाज 7 times लक्ष्मण, 7:1 -4 -4 5 × 5 = 2 तो ये रहेगा 6 × 24 तो 12 आ गया, एंड द परसेंटेज लक्ष्मण 12 साल। I5 ठीक है, इजी सवाल है, 6 men और 8 boys कितना कर रहा है 6 days बराबर 8 men 15 boys 4 days, तो ऐसे पट जाएगा 2 × 6 = 4 अब देखो 6 × 3 = 18 और 8 × 2 = 16 2m बराबर कितना आ जाएगा 30 और 24 तो 6b, तो m ratio b कितना आ गया 3:1। नंबर एफिशिएंसी रेशियो ऑफ द मैन एंड द बॉयज, बॉयज 3:1 आ रहा है भाई, तो 6 men and 8 boys तो 8 × 24 = 18 एंड 8 men and 4 days 2 × 4 = 6 8 × 2 = 16 15 × 30 8 × 24 = 6 boys और 6 × 18 × 16 2m की m रेशो मैन एंड टू बॉयज गलत है तुम 3:1 आ रहा है। उसके बाद इफ पी क्यू आर पार्टनरशिप इक्वली एग्रीमेंट पी को कितने का लॉस पड़ गया, देखो पी का अगर होना चाहिए ऐसे तो
मान लेते हैं पी का इन्वेस्टमेंट रहेगा टोटल, इसे इक्वल इन्वेस्टमेंट करना तो इसका 12, 8 और 4, तो 8, 4 के बाद 3:2:1, 3 × 5 = 6, अब बटे कितने 2, 2, 2 बट गए, तो इसको तो नुकसान हो गया 1/3, 33.33% का। लेफ्ट साइमल्टेनियस अच्छा क्वेश्चन है, बाद में देखते हैं इसको। आफ्टर 4 इज़ मोर देन रमन, ठीक है रमन अमन बोरोड 10,000 रुपये लिए इसने, ठीक है आफ्टर 4 ईयर सचिन रिसीव्ड 5,000 मोर देन अमाउंट गिवन टू द अमर ऑन द लोन, तो मतलब 5,000 मिले हैं, 5,000 मिले हैं 4 साल के लिए, तो 1 साल के लिए मिलेगा 1,250 और कितने मिलेगा 10, तो ये आपको 12.5% लोन। अ फ्यू डीलर मेक्स 200,000 बी इट्स प्रॉफिट ऑफ 10%। मैंने ब्रांड बी ठीक है, अब देखो ये 2:3 है ना, तो अगर 30% ये है और 70% वो है, तो ये तो 11 कितना, तो 270 रुपये रहेगा कॉस्ट पे, इसका ओरिजिनल कॉस्ट पे होना चाहिए उसका, ठीक है ओरिजिनल कॉस्ट का रेशो क्या है, इनका है कॉस्ट का रेशो 2:3 मिलाया इस क्वांटिटी में इसको 2:3 और मिलाया इस क्वांटिटी में इसको क्या मिलाया इसको 30% और ये मिलाया 70% 3:7 ठीक है, तो ये 2x मान लो इसको 3x मान लो, रुक जाओ इसको देखते हैं बाद में, ठीक है तो ये 1200 लेता है और 800 देता है, प्रॉफिट परसेंट बतानी है इसकी, तो कितना हो गया, दी हो गया आपका 3/2 50% होगी प्रॉफिट, तो 8 रिसीव 50% मोर देन बी 2, 3 एंड बी रिसीव 30% लेस देन दैट सी, तो बी रिसीव 30% लेस देन थी, मतलब पी कितनी आना चाहिए 7 आना चाहिए, 7 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 14 हो जाएगा 14, 21 और 30, तो ए शेयर इन द अमाउंट तो कितना सारा 21 कितना हो गया 35, तो 65 बन गया 25 17 ए से 50% मोर देन दैट बी, तो ए 3 होगा तो बी, अरे यार ये 3 होगा ये 2 हो जाएगा एंड बी इज 10, तो बी को अगर 7 मान लेंगे तो 21 ये 14 और ये हो जाएगा 20, तो 35 तो 55 हो गया, 55 × 55 57 × 55 15 आ गया, ए शेयर नोट 15 × 15 5×30 = 31 315 आ गया, ठीक है और स्पीड ऑफ वेटिंग स्लॉटर एंड फ्लूड करंट इज 10, द डिफरेंट डिस्टेंस कॉल्ड बाय द बोट एंड 3-star स्ट्रीम एंड 10, ठीक है तो 7x और प्लस कितना आ जाएगा x इंटू 3, तो 18 आ जाएगा, तो 8x = 18 ये होगा, स्टिल वाटर डिफरेंस पूछा यार 6x = 18 6x हो जाएगा, तो इसके लिए कितना 3, तो वाटर पोटेंस 10 वाटर कितना होगी, स्टिल वाटर 4×3 = 12 इनकम ऑफ ए इनकम सो दैट ए गेट 6,000 प्रॉफिट, चार दस है इतना खर्चा है, इतना उनका इतना प्रॉफिट आ रहा है,
तो पूछा है कि व्हाट शुड बी देयर इनकम सो दैट द ई गेट्स 6,000 एज प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ए को भी बच रहा है, तो ए 3x कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी, मंथली एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है उसका ना, ए गेट्स इतना प्रॉफिट, तो इनकम ऑफ ए क्या होगा, देयर इनकम सो दैट, दोनों की इनकम बतानी है। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा, 4 × 8,000 इतना हो जाएगा इनका, 14,000, तो 50,000 आ जाएगी। फिर पर क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है यार। अभी देखो ये हो गया आपका 270 रुपये हो गया कॉस्ट प्राइस इनका। आपको पता है इसका कॉस्ट प्राइस 2x है, एक कॉस्ट प्राइस 3x है, तो इनको रेशियो में किसमें बांटा गया, इसमें बांटा गया 30%, इसमें बांटा गया 7%, तो जाएगा 3 × 6x प्लस 7 × 14x बटे क्या आ जाएगा आपका 10, तो ये 20x बटे आपका अगर 10 आ गया, तो 2x बराबर 11, 270x बराबर 135 आ गया। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ब्रांड बी, तो 135 दिया, ये बनना चाहिए यार। दोबारा देख लेते हैं, 30 ठीक है, तो 11 × 22 11 × 77 ये आ गया 10, ये तो गया नेट का कॉस्ट। अब उतना मिला रहे हैं कितना, 2x मिला रहे हैं, एक मिला रहे हैं 3, कॉस्ट 10 रेशो, ठीक है, 2x है 3x है, 30% ब्रांड ले रहे हैं और ब्रांड भी ले रहे हैं 70%, तो 30% इसका लिया है और 70% इसका लिया है। ठीक है, तो कॉस्ट ये बनना चाहिए यार इसका, तो 3 × कितना हो जाएगा, 6 × 7 = 21 होगा भाई, 27x बाय आ जाएगा, ये 27x बाय कितना आ रहा है, 10, तो 270, तो एक्स बराबर आ गया 100, तो बी का कॉस्ट पूछा, 300 आ जाएगा बी का कॉस्ट। अब एक सवाल बजाय कर लेते हैं अपना, टू ट्रेन ट्रेन एक्स टेक्स 900 आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग, तो इनका स्पीड का रेशियो होता था 4:3 ही होता था स्पीड का रेशियो, ये तो पक्की बात है। तो अगर मान लेते हैं कि जैसे इसने यहाँ तक पहुँचने में कितना लगाया, ठीक है, इसने यहाँ तक पहुँचने लगाया 9 आवर्स एक्स ने, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा 9, तो 36 हो जाएगा 36, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 × 48x, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 48 × 36 हो गया, 8 × 14 = 84 हो गया आपका, और ये है आपकी स्लोवर ट्रेन, तो 28 टाइम लग जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो हो गया आपका मैथ सेक्शन, थोड़ा सा मुझे कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक के अच्छे भी लगे, मुश्किल लगे, लेकिन हो गया। ठीक है, इंग्लिश मेरी थोड़ी ठीक ठाक ही रही, इंग्लिश में मैं अभी इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, बट लेट्स देखते हैं क्या होता है एग्ज़ाम में, बाकी अब रीजनिंग में बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप देखते हैं, ये आपका आ गया ऑल वायर इज कॉपर और ऑल कॉपर इज प्लैटिनम, तो सम कॉपर इज वायर, सम कॉपर इज वायर बिल्कुल सही है, ऑल वायर इज प्लैटिनम, ये भी सही, दोनों सही है। बहुत क्या भैया, अरे बहुत कहाँ, इसमें 1 × 2 बॉल वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया नो प्लानट, नो प्लांट इज बर्ड, ठीक है, और उसके बाद हो गया सम बर्ड्स आर कैट्स, ओनली कैट्स आर डॉग्स, तो डॉग्स यहाँ पे लगा दिया। अब डॉग का नो डॉग इज प्लांट सही है, ऑल कैट्स बीइंग बर्ड्स, सारी की सारी कैट बर्ड्स हो सकती, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, फर्स्ट ऑल सही है बस। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, आपका हो गया अ फ्यू कैरेट आर रेडिश, अ फ्यू कैरेट आर रेडिश, ईच रेडिश इज टोमेटो, रेडिश टोमेटो, नो रेडिश इज पोटैटो, नो रेडिश इज पोटैटो। ठीक है, ऑल कैरेट बींग पोटैटो इज पॉसिबिलिटी, ऑल कैरेट पोटैटो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, नहीं बिल्कुल नहीं पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सम पोटैटो बींग टोमेटो, कुछ पोटैटो टोमेटो सकते हैं, पॉसिबिलिटी सेकंड है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी सेकंड फॉलोस। ठीक है, उसके बाद ये देखो आप, सम आइसिस टी, सम आइसिस टी, ऑल आइसिस, सम आइसिस मिल्क, मिल्क ऑल आइसिस टी, ठीक है, ओनली अ फ्यू टी इज कॉफ़ी, ऑल टी कैन बी कॉफ़ी, ऑल टी कैन बी कॉफ़ी नहीं गलत है, ऑल कॉफ़ी कैन बी टी बिल्कुल सही है, सेकेंड वाला सही है। ये छोड़ देते हैं अपन, 3 × 5
आगे बढ़ते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं, तीन क्वेश्चन है, इसको मैं ज़रा कॉपी बना लेता हूँ जल्दी जल्दी से। पॉइंट बी इज़ 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, ये रहा आपका बी, ये रहा 10 मीटर है, ठीक है। डी इज़ 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, नहीं पता। सी विच इज़ 5 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, सी विच इज़ 5 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, एंड डी इज़ 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, डी इज़ 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, जी इज़ 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, एफ विच इज़ 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी, विच इज़ 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी, एंड जी इज़ 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, जी एंड डी, जी एंड डी, 16, 3, 9, 25 विचार है, विचार थोड़ा थोड़ा 32, तो ये आ गया भाई। दक्षिण ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए साउथ ईस्ट हो रहा है आपका। एच इज 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, एच इज 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, तो यहाँ आ जाएगा एच, एच रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज साउथ, इसको भी छोड़ दो आप आगे चलो। ये देखते हैं, आर इज लेस देन एम, आर इज लेस देन इक्वल टू वी, आर इज इक्वल टू टी, टी लेस देन यू, यू लेस देन एम, तो पहला तो सही है, वी ग्रेटर देन वी इक्वल टू यू, दूसरा गलत है ना, पहला सही है, आगे बढ़ो। उसके बाद ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी सही है पहले वाला, टू ग्रेटर देन 7, टू छोटा ही से गलत है, 6 ग्रेटर देन 1, 6 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 5, 4 1 सही है, सेकंड वाला सही है, 2 ग्रेटर देन 9, 2 6 2 6 नहीं है, 6 लेस देन 5, 2 3 सेकंड सही है, छोड़ दो इसको आगे बढ़ो। इफ़ द फर्स्ट डिजिट इन द सेकंड नंबर डिजिट, सेकंड नंबर डिजिट विद इन द नंबर्स, डिजिट इन रेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। अब देख लेते हैं मिल क्या बनता है, 2 1 1 1 3, तो 1 7 1 7 1 4, तो ये आ जाएगा 4 1 7, उसके बाद 1 7 6 1 7 4, 7 1 4 7 1 6, और ये 5 2 7 और 5 3 6, तो पूछा है विच इज वन थर्ड टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नंबर ऑन द राइट हैंड, 7 1 4 1 7 4, द डिजिट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर्स, देन विच आर द फॉलोइंग विल द लोवेस्ट नंबर, ठीक है। तो 1 1 1 आ जाएगा, तो 147 147 4 147 7 1 4 4 1 7, फर्स्ट नंबर डिजिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड, सेकंड हाईएस्ट नंबर, थर्ड डिजिट चेंज, 7 6 4 7 6, ये दोनों 725 714 714, तो सेकंड हाईएस्ट डिजिट ना, ठीक है, 714 होगा, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट 7 1 7, अब भैया करते हैं पजल कॉपी में थोड़ा दर्द। 9 पर्सन आर सिटिंग इन रोल ऑफ फेसिंग साउथ, साउथ इज नोन, ठीक है, डिविंग इंस्ट्रूमेंट मिडल, कास्टिंग को बैठा लेते पहले, 1 2 3 4 5 3 5 6 7 8 9, तो 4 और ये बैठा लिया अपन ने कास्टिंग को, साउथ देख रहे हैं सब, साउथ फेसिंग है, ठीक है, कास्टिंग को बैठा लिया। उसके बाद कास्टिंग के लिए कोई क्लू है कजन, तो दस, ठीक है, कासिम के लिए तो कोई क्लू है नहीं, नितिन टू कासिम, नितिन को यहाँ बैठा लिया, एक बार नितिन को यहाँ बैठा लिया, कासिम को यहाँ बैठा लिया, ये 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद नितिन पिंकी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीना एंड नाइदर ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड,
टीम की थर्ड टू द राइट ऑफ टीना, टीना पिंकी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीना, पिंकी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीना नाइन में एक्सचेंज में देखो, ठीक है ना। साबू इज नॉट एडजस्ट टू पिंकी, साबू नॉट पिंकी, साबू और पिंकी साथ में नहीं है। उसके बाद कासिम सिट ना इधर एडजस्ट एक्सचेंज में करने को मैं ओमी मधु सिट्स टू द राइट ऑफ नितिन, मधु सिट टू द राइट ऑफ नितिन, मधु नितिन 1% स्टूडेंट साबु एंड हुआ, 1% हुआ और ऋतिक डज नॉट स्टूडेंट टू साबु, यार ये तो लंबा पड़ गया। ठीक है अब देखो, ओमी सिट्स नाइदर एक्सट्रीम एंड नॉट टू उमा, ओमी एक्सट्रीम पर भी नहीं है और एडजेसेंट टू उमा भी नहीं है। साबु और पिंक से नितिन इधर आएगा, नजर आ सकता है। ठीक है और कोई क्लू बच गया, और कासिम पिंकी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीना एंड ओमी सिट्स नाइदर उमा एंड ओमी सिट्स कासिम सिट्स इन द मिडिल द मदर सिट्स राइट नितिन एंड साबु एंड उमा, साबु एंड उमा। तो ये तो पक्का है कि इधर उमा आएगी और क्योंकि साबु साबु एंड उमा और साबु के साथ नहीं बैठेगा, साबु इधर आएगा। और ओमी ओमी साथ नहीं बैठेगा, नेक्स्ट मिनट भी नहीं बैठेगा, तो ओमी यहाँ आएगा। ठीक है उसके बाद मधु नितिन, तो मधु इधर आ जाएगी, ऋतिक हो गया भाई देख लेते हैं। ठीक है ओमी सर ऑल इन सिंह साउथ साबु नॉन पिंकी, साबु नॉन पिंकी सही है। नितिन सेट सजेस्ट टू कसिम, नितिन टू कसिम, पिंकी सेट थर्ड टू टीना, पिंकी सेट थर्ड टू थर्ड टीना, नादर स्टूडेंट ओमी सेट थर्ड ना, ओमी सेट ओमी सेट नाइदर एक्सट्रीमेंट नाइदर नोर टू उमा। ठीक है कासिम सिंह मिडिल दर मदर सेट राइट ऑफ नितिन, सिस्टम सेट राइट ऑफ कासिम पिंकी, ओमी सेट सेट लेफ्ट ऑफ द ओमी, ओमी सेट लेफ्ट ऑफ द ओमी वितिक, ओमी सेट सेट मधु एंड नितिन, मधु एंड नितिन 1 2 3, ओमी सेट पिंकी विद रिस्पेक्ट टू साबु, पिंकी विद रिस्पेक्ट टू साबु 1 2 थर्ड टू द लेफ्ट, पिंकी विद रिस्पेक्ट टू साबु, साबु थर्ड टू द लेफ्ट, मधु एंड उमा, मधु एंड उमा बिल्कुल साथ साथ में, कासिम एंड नितिन साथ साथ में, टीना और ऋतिक नहीं साथ साथ में। ठीक है दही छोड़ दो उसका रिस्पेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है उसके बाद ये अपना बना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वाई सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी विज टूअर्ड सेंटर, ठीक है वाई सेट सेकेंड टू द वी विज सेंटर, डब्ल्यू डिजन सेट वाई सेट सेकेंड टू राइट ऑफ द वी, वाई सेट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वाई सेट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वो फेस टूवर्ड द सेंटर सेंटर, यू सेट अपोजिट टू जेड, यू सेट अपोजिट टू जेड, जेड 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 हाँ, यू सेट अपोजिट, यू सेट अपोजिट टू जेड, जेड नाइदर टू वी और डब्ल्यू, यू सेट अपोजिट टू जेड वो एंड एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, जस्ट लेफ्ट टू डब्ल्यू, तो अब लेफ्ट ऐसे आ सकता है। ठीक है अब उसके बाद टी सेट से मुझे ट्राई टू फेस एंड बोथ दिन से मुझे डायरेक्शन, टी सेट से मुझे ट्राई टू फेस डायरेक्शन, जेड जेड एंड डब्ल्यू सेम फेस डायरेक्शन, जेड एंड डब्ल्यू सेम फेस डायरेक्शन, ये तो फिर यहाँ आना पड़ेगा ना इसको, तो इस साइड में इसको भी यहाँ आना पड़ेगा हमारे को, इसको भी यहाँ पड़ेगा, टी सेट से मुझे ट्राई टू फेस अंदर आना पड़ेगा और इसको बाहर आना पड़ेगा, 1 2 3 4। ठीक है ये देखें तो इसको अंदर आना पड़ेगा, इसको तो एक गड़बड़ हो जाएगा सबके साथ, ये नहीं हो पाएगा। तो एक टी सेट में राइट टू फेस हो गया, अब देखो विद फॉलोइंग सेट लेफ्ट टू फेस, ये आपका हो गया जेड,
रेसिपिएंट डब्ल्यू एंड यू एन काउंटर फॉर द राइट ऑफ यू यू एक दो दो इसलिए जेट राइट ऑफ वी टू वी यू बचा क्या आपको एक्स बचा ना ठीक है जेड एक्स डब्ल्यू वी वाई वी जेड एक्स डब्ल्यू वाई वी एक्स ठीक है वो अपोजिट टू वाई ये आपको हो गया डब्ल्यू ठीक है इस पे आते हैं हम जल्दी से ठीक है ये आपका हो गया 8 7 6 5 3 2 1 ग्रेटर देन 4 तो टी मतलब 5000 रुपये सकता है ठीक है और बोले टी एंड पी एस लेन 7 फ्लोर एस काट दो भाई एस काट दो एस काट दो एस काट दो तब टी के नौ रह सकता है आर इज नंबर नंबर फ्लोर ठीक है वीलिज एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड आर बिलो क्यू टी एंड यू आर लिव्स बिलो तो टी की बात कर लेते हैं पहले ठीक है तो टी यहाँ रख सकते हैं तो टी टी और टी यहाँ रख सकते हैं ना अब देखो क्या दिल्ली दिया हमें दिया हमें रिलीज हो सकती है पी एंड आर पी एंड आर पी एंड आर डब्ल्यू लीज बिलो क्यू डब्ल्यू लीज बिलो क्यू क्यू परसेंट बिटवीन पी एंड यू पी एंड यू पी एंड यू का मतलब टी एंड बी सी का मतलब क्यू एंड टी क्यू एंड टी एंड पी इक्वल टू क्यू एंड टी क्यू एंड टी एस लेवन सेवन फोर आर लेवन नंबर फोर यूज ब्लो पी थोड़ा सा औखा है ये देख लेते हैं पहले 8% दस ये देख लेते हैं पहले चाहिए 6-13 मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून ठीक है अब देखोगे आप ये हो गया आपका जनवरी फरवरी मार्च जनवरी मार्च 31 अप्रैल 30 मई अप्रैल मई जून जून 30 मई मार्च अप्रैल मई जून मार्च 30 मार्च अप्रैल मई 30 हो गए तो बताओ क्या कितने से पहले पी एस एफ बर्थडे ऑन 6th ऑफ द मंथ है 31 डेज तो ये देखो ना लड़ी नवी 6 और कितनी 18 6 18 इसको क्रॉस करो 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 पी क्या है बर्थडे मंथ है 31 डेज 31 पी हाँ हो सकता है फिर आपको पी हाँ हो सकता है बर्थडे बिफोर बर्थडे बिफोर नंबर पर्सन बिटवीन पी एंड पी इज वन इज नंबर पर्सन क्यू एंड डब्ल्यू पी एंड क्यू इज वन इज नंबर पर्सन क्यू एंड डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया दो हैं तो एक दो तीन या क्यू एंड डब्ल्यू में ये हो जाएगा तीन हो जाएगा बट इन सेम मंथ हैविंग 30 डेज ठीक है सेम मंथ और एस सेम मंथ 30 डेज यू बर्थडे इज आफ्टर वी बर्थडे इज आफ्टर वी ओनली 3% बर्थडे बिटवीन क्यू एंड टी एक दो तीन ये तो कोई नहीं पड़ेगा एक दो तीन टी ठीक है और यू इज बर्थडे इज आफ्टर वी तो यू इज बर्थडे इज आफ्टर वी आर हैज़ बर्थडे बिफोर एस आर हैज़ बर्थडे बिफोर एस 100% बर्थडे बिटवीन वी एंड आर में कितना होगा तीन उन्होंने आर इज बर्थडे इमीजिएटली आफ्टर टी सही है इमीजिएटली आफ्टर पी इज द बर्थडे 19th ऑफ जून वी इज मोर फ्रेंड जून आफ्टर टी डब्ल्यू इज बर्थडे इमीजिएटली आफ्टर पी इन द फॉलोइंग हैज बर्थडे 18th मे 18th मे को किसका हो रहा है टी का हो रहा है वी डब्ल्यू आर एस यू वी डब्ल्यू आर एस यू यू हो जाएगा इसका आंसर ठीक है उसके फॉलोइंग हैज बर्थडे 18th मार्च 18th मार्च जिसका बर्थडे है वो क्यू का अब देखो भैया इस पे आओ वापस आपका ये हो रहा है कि ठीक है अब क्या क्लू मिल रहा है इसमें कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है यार
this 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 is this wheel is on the wheel floor which is written for wheel is exactly written P and R. This is 2% written P and U. 2% B and U. S is on the floor, R is on the floor, wheel is on. मुझे यार कहाँ शुरू करूँ यार, ठीक है क्यों कहाँ रहता है कुछ पता नहीं है इसमें तो. 1% रीजन विदिन टी फ्लोर टी रीजन फ्लोर हो गया. अब 1% पी एंड आर वी रीजन पी एंड आर, ठीक है. उसके बाद डब्ल्यू इज बिलो क्यू, डब्ल्यू इज बिलो क्यू और 2% पी एंड यू क्यू और टी पी बराबर ही है. टी एंड पी से नंबर क्यू एंड टी, ठीक है. तो बीच में पर क्यों आएगा, नीचे आएगा आपका पी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है और इसमें एक पॉसिबल है. तो अब देखो पी तो और ऊपर पी अगर नीचे रहेगा, ठीक है, तो ये इसमें पॉसिबल है. यू लिव बिलो पी आएगा, बिलो पी तो पी के भी नीचे आपका यू आ रहा है. मान लो यहाँ पे आप पी बैठाते हो तो दो छोड़कर आपको यू नीचे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हो सकता है मतलब. पर लेकिन अगर नीचे बैठाते हो आप तो यहाँ एक यहाँ पी उठाएगा फिर दो छोड़ के यू आ सकता है. दोनों कर लेते हैं एस पी. यहाँ पे आप बिठाते हो पी एक बार तो पी, तो एक दो एक क्यू आएगा यहाँ पे. यहाँ भी बिठाते हो एक दो आपका यू आ जाएगा, ठीक है. क्यू बिल्कुल डब्ल्यू है और पी यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू, ठीक है. उसके बाद देखो लीजिए फर्स्ट फ्लोर या तो यू होगा क्यू डब्ल्यू पी वी आर भी सेम है. पी वी आर और वील इज इन द एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड आर इज इन आर डब्ल्यू इज बिलो क्यू टू बिटवीन पी एंड आर आर इज इन इवन नंबर फ्लोर. तो चार गया छः गया तो आर यहाँ पे आ सकता है. तो मेरे ख्याल से यही आंसर बनना चाहिए रिकॉर्डिंग. तो ये टिक रहे हम वी एंड डब्ल्यू में, डब्ल्यू इज बिलो क्यू और पी वी आर, पी आर ठीक है. वी एंड डब्ल्यू इवन वी एंड डब्ल्यू में तो एक ही रह रहा है, ठीक है. उसके बाद विस लीजन फॉलोइंग एस लीजन विच फॉलोइंग दिया हुआ यार एस लीजन सेवन फॉलो क्या मुझे पता है. लिव बिटवीन टी एंड पी, टी एंड पी डब्ल्यू वी क्यू टी आर पी, वी क्यू टी आर पी वी एकदम लास्ट पॉइंट पे हुआ यार. हाँ इसको छोड़ना ही पड़ेगा लगता है. एल ई ए डी ई आर एस एच आई बी तो एल एम पी क्यू आर एल एल एम एन ओ पी क्यू आर सी एफ जी एच आई जे के एल ए बी सी डी ई एफ जी बी सी डी डी ई. एक तो है एफ जी एच आई, तो एक दो तीन, एक एक दो तीन चार पाँच छः तो हो गया, मोर देन फाइव होना चाहिए, ठीक है जी. सबमिट करते हैं, एग्ज़ाम हमारा पूरा हो गया. अब लेट्स चेक करते हैं कितना स्कोर आया हमारा. पेपर थोड़ा इंग्लिश का बेकार है मुझे लगता है, बाकी तो सारे सही हो गए और बाकी रीजनिंग एकदम एंड टाइम पे हुआ है. पता नहीं कितना स्कोर आया किसका नहीं आएगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ठीक है, तो आप स्कोर देख सकते हो क्या स्कोर आया मेरा है 86.25. इंग्लिश में थोड़ा मेरे बेकार हुआ है, 17.5 नंबर आया इंग्लिश में. मैथ्स में पूरे 35 आए हैं, 17 मिनट 46 सेकंड में कर दिया था. रीजनिंग में आए 33.75, शायद वही क्वेश्चन गलत हो गया लास्ट में, उसमें टाइम कम रह गया था, ठीक है. और तो कुछ नहीं है, बाकी रैंक आई 122. इंग्लिश में मुझे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है. मॉक ठीक ठाक हो गया बस, लेकिन वही दिक्कत हो रही है इंग्लिश में बार बार, गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, मैं देखता हूँ गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ. बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू सो मच, फिर अगली वीडियो में कल मिलेंगे इसके एनालिसिस के साथ. बाय.